हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। अब मैं आप लोगों को टीएनएस का हेयर ऑयल का डेमो दिखाने वाला हूँ। ये कहने के लिए हेयर ऑयल है, लेकिन ये एक मल्टीपर्पज ऑयल है। इसका कंपैरिजन मैं एक बहुत ही फेमस ब्रांड के साथ करने जा रहा हूँ, जिसमें इसने ऊपर लिखा भी है इंडियाज नंबर वन आयुर्वेदिक ऑयल, और जिसका आपने देखा होगा कि जूही चावला एडवर्टाइजमेंट करती है, इमामी का ये केस स्किन है। इंग्रेडिएंट सेम होने की वजह से, आंवला वगैरह, नीम, कोकोनट ऑयल वगैरह होने की वजह से मैंने ये चुन, ये ब्रांड चुना है, क्योंकि दोनों के इंग्रेडिएंट अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो सेम होने चाहिए। अब सबसे पहले सवाल ये आता है कि हम कोई भी ऑयल सर में लगाते क्यों है, बालों में हम तेल लगाते क्यों? सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली हेयर ऑयल जैसी कोई चीज होनी नहीं चाहिए, लेकिन हम हेयर ऑयल लगाते हैं हेयर के पोषण के लिए। लेकिन आप नाखून भी काटते होगा, जिंदा नाखून कट जाता है तो दर्द होता है, लेकिन बालों को काटने से दर्द नहीं होता, क्योंकि बालों में ब्लड सर्कुलेशन नहीं है। जान तो है, जान नहीं होगा तो बढ़ेंगे कैसे? जान नहीं होगा तो काले बाल सफेद क्यों होंगे? एक ही जैसे रहने चाहिए थे हमेशा। जान तो है लेकिन ब्लड सर्कुलेशन नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं है और बायो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो भी नहीं है, तो कटते समय जो दर्द होता है ना, वो दर्द का सेंसेशन ब्रेन तक नहीं पहुंचता, क्योंकि वहां पे कोई ज्ञानेंद्रियां नहीं है, स्किन नहीं है, तो वो सेंस नहीं करते उस चीज को। तो जब आप ऊपर से बालों में तेल लगाते हैं तो वो क्या करता है, उसके ऊपर एक लेयर बनाता है, उसके ऊपर एक लेयर फॉर्म करता है। वो लेयर उसको थिक, स्ट्रांग और सिल्की फील देता है। जब आप बालों में तेल लगाने के बाद छूते हैं, आपको फील बड़ा अच्छा आता है, तो आपको लगता है कि मेरा बाल अच्छे हो गए हैं, बट एक्चुअली ऐसा कुछ होता नहीं है। बालों को पोषण अगर कहीं से एब्जॉर्ब कर सकते हैं, बाल बढ़ते भी जड़ों से, ऊपर से नहीं बढ़ते। ये तेल लगाने से, तेल आप रूट्स पे नीचे तेल लगाते हैं, सिर्फ मन को समझाना है और कुछ भी नहीं। बालों में ऑयल लगाना है तो केवल रूट्स में लगाना। जब आप रूट्स में ऑयल लगाएंगे तभी वो पोषण मिलेगा, बशर्ते वो रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब होते। अब बालों में ये ऑयल के फॉर्म में रहे, उसमें अपने बहुत कुछ मिला दिया, आंवला मिला दिया, ये मिला दिया, अब आंवले का जूस निकाल करके एक बोतल में बंद करके रखो कुछ दिन, देखो क्या होता है, कुछ दिनों के बाद वो सूख जाएगा। अब नीम का अर्क निकाल करके कुछ बोतल में, कुछ दिनों के बाद वो सूख जाएगा, या जिस बोतल में रखा उसी में चिपक जाएगा। तेल नहीं चिपकता, तेल नहीं चिपकता, कोई भी तेल नहीं चिपकता। उसका रीजन क्या है, क्योंकि उसमें लिक्विड पैराफीन डाला जाता है। तो ऑयल को, ऑयल के पैराफीन एक पेट्रोलियम पदार्थ है जो बहुत ही ज्यादा प्योरिफाइड फॉर्म में होता है, और वो कॉस्मेटिक्स में, मेडिसिन में, इन सब चीजों में इस्तेमाल होता है। अब पैराफीन की कितनी मात्रा इस्तेमाल हुई है वो डिसाइड करता है कि वो बॉडी में कितना एब्जॉर्ब होगा। तो अगर आपने जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं उसका प्योरिफिकेशन हाई लेवल पे नहीं हुआ है, तो उसके सूखने के चांसेस, क्योंकि उसमें कार्बन सब्सटेंस ज्यादा, उसके सूखने के चांसेस ज्यादा होंगे, तो आपको पैराफीन ज्यादा मिक्स करना पड़ेगा ताकि वो ऑयली रहे। अगर आप पैराफीन कम मिक्स करेंगे तो वो सूखने लगेगा, लेकिन अगर आपके इंग्रेडिएंट्स बहुत ही हाई क्वालिटी के हैं तो बहुत कम मात्रा में पैराफीन मिक्स करने से ही आपका ऑयल हमेशा ऑयली रहेगा, वो चिपकेगा नहीं। ये आप इस बॉटल को भी देख सकते हैं, बॉटल में आपको अंदर से लग रहा होगा, क्लोज से देखेंगे बूंद बूंद से, क्योंकि ये चिपक रहा है, हमने नीचे किया चिपक रहा है, लेकिन ये बॉटल देखिए पूरा उल्टा किया, नीचे लाया, अगेन क्रिस्टल क्लियर। क्यों? क्योंकि ये चिपकता ही नहीं, क्योंकि इसमें बहुत ही कम मात्रा में पैराफीन, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो यूज किया गया। अब हम आते हैं दूसरी बात पे। मैंने पहला सवाल पूछा कि ऑयल लगाते क्यों है, मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूं ऑयल क्यों नहीं लगाते। ऑयल से फायदा होगा ये जानने के बावजूद भी बहुत सारे लोग, बच्चों को स्कूल जाते समय माँ तैयार करती है ऑयल लगाने के, वो भागते हैं। क्यों? क्योंकि स्कूल में दोस्त चिढ़ाएंगे, चिपकू चिपकू बोलेंगे। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम ही सिर्फ यही होती है कि बाल चिपकेंगे तो हम ऑयल नहीं लगाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये सबूत क्या है। मैं फिर से ये दोनों ही ग्लास में पानी भर रहा हूं। इसमें भी ज्यादा बराबर है, ऑलमोस्ट बराबर। अभी मैं इसमें, ये रिवाइटाइज नीम आंवला ऑयल है जिसको मैं लेफ्ट वाले ग्लास में डाल रहा हूं। दो तीन दिन मैंने डाल दिया। आपने उसका फ्लो रेट भी देखा होगा कितना तेज है, क्योंकि वो ठीक नहीं है उसमें। ऐसे दो तीन बूंद मैंने ये भी डाल दिया। अभी दोनों ग्लास में आप इसके ऊपर से लीजिए, देखेंगे दोनों ही में ऑयल अकोमलेट हुआ है। इसमें ग्रीन ज़्यादा है तो क्लियर दिखेगा, लेकिन इसमें भी बीच में पैच बना हुआ दिखेगा, बीच में ऑयल अकोमलेट हो रहा है। दिख रहा है कैमरे में, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, बीच में जो ऑयल अकोमलेट हुआ है दोनों में क्लियरली दिख रहा है। दोनों में ऑयल अकोमलेट हुआ, इसमें ज़्यादा गिर गया।
इसमें ज्यादा ऑयल है जिसमें टीएनएस का ऑयल है, फिर भी अब हम स्पून से, ऑयल हमेशा हल्का होता है पानी से और पानी के सतह के ऊपर तैरना चाहिए, वो साइंटिफिक चीजें हैं। और ये तैर भी रहा है, दोनों ही तैर रहे हैं, पानी की सतह के ऊपर आपको दिखेगा ये तैर रहा है, टीएनएस का ऑयल हमने ज्यादा लिया है, दोनों ही तैर रहे हैं। अब हम कोशिश कर, ऑयल को पानी में मिक्स नहीं किया जा सकता। वो क्यों नहीं मिक्स किया जा सकता? क्योंकि वो लिक्विड पैराफिन होता है। लिक्विड पैराफिन के अलावा तो आंवले का जूस है, नारियल का अर्क है या नीम का अर्क है, वो तो घुल सकता है पानी में। तो अब हम इसको घोलने की कोशिश करते हैं, पहले जो ग्रीन वाला टीएनएस का ऑयल है उसको घोल। तो घोलने की कोशिश की, अब उसके बाद हम ये वाला घोलेंगे। दोनों को घोलने के बाद हम थोड़ी देर छोड़ देंगे। दोनों को ऊपर लाइए वीडियो कैमरा। अब देख सकते हैं कि दोनों में से ज्यादा कौन सा घुला है। ये हमने ज्यादा डाला था, इसमें बहुत छोटा सा पैच अब आपको बनता हुआ दिखेगा, जबकि इसके अंदर आप देख सकते हैं जिसमें जितना ज्यादा पैराफिन होगा वो पैराफिन नहीं, इसके अंदर भी जो हर्ब्स के जो कंटेंट्स होंगे वो घुल जाएंगे, पैराफिन नहीं घुलेगा। यानी अब अगर ये घुलेगा नहीं तो ये आपके स्किन में अब्सॉर्ब नहीं होगा। ये अगर घुलेगा नहीं, अगर घुलनशील नहीं है तो ये आपके स्किन में अब्सॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि पैराफिन को अब्सॉर्ब नहीं होता। पैराफिन का पर्पस अब्सॉर्ब होना है भी नहीं, पैराफिन ह्यूमन बॉडी में अब्सॉर्ब नहीं होना चाहिए। पैराफिन लिक्विड वो तो रहेगा ही, लेकिन अगर उसमें जो कंटेंट उसका ज्यादा है तो वो अपने साथ कंटेंट को भी आपके स्किन के ऊपर रख लेगा, अंदर नहीं जाने देगा। यानी ये ऑयल लगाने से बिना चिपचिपाहट के, इसमें बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं है, ये आप अपने हाथों में रब करके दिखाइए। जैसे हमने इनके हाथ पे एक बूंद डाला है, और दूसरे हाथ पे उसको लगा, लेकिन ऑयल पूरा ऊपर आ चुका है। यानी ये एक ऐसा ऑयल है जो 95% तक पानी में भी घुल जाता है, ये इतना कम ऑयली है। ये ऑयल तो है लेकिन ये इतना कम ऑयली है। तो यानी ऑयल लगाने के पीछे जो 99% लोगों की जो चिंता है हैवीनेस, ये कितना लाइट है वो आपने देखा, पानी में कितनी आसानी से गिरता है, स्किन पे भी नहीं टिकता है, और उसके अलावा पूरी तरह से घुलनशील भी है। तो ये आपके सिर पे एकदम लाइट रहेगा, बिल्कुल भी चिपचिपाहट का एहसास नहीं देगा। और इसके अलावा जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैक्सिमम पॉसिबल प्योरीफाइड फॉर्म में है, जिसकी वजह से वो पानी में पूरी तरह से घुल जाते हैं। आपने शुरुआत में देखा होगा कि वो ग्रीन कलर का ऑयल दिख रहा था, घोलने के बाद आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट, कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है ये कंप्लीट। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आंवला हो, नीम हो, कुछ भी हो, वो इतने ज्यादा प्योरीफाइड फॉर्म में है कि पूरी तरह से घुल जाते हैं। तो ये आपके स्किन में भी पूरी तरह से अब्सॉर्ब होता है, आपके हेयर के रूट्स में पूरी तरह से अब्सॉर्ब होगा। 5-10 मिनट के बाद आपको खुद ही पता नहीं चलेगा कि मैंने ऑयल लगाया है या नहीं, और बेनिफिट्स इसके 100% आपको मिलेगा। थैंक यू।